ये देखिएगा रिंकल से इस गारमेंट पे, ये सिरेमिक सोल प्लेट के साथ आता है, ये है प्लेट जो सिरेमिक कोटेड है, और दूसरा है ये गारमेंट फिल्टर, यानी कि इसकी जो स्टीम है आपके कपड़े को डिसइंफेक्ट भी करेगी। एक होता है हैंड हेल्ड गारमेंट स्टीमर। तो आज हम जिस मॉडल का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका मॉडल कोड है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आमिर उमर इलेक्ट्रॉनिक्स से, और आज हम मौजूद हैं अपने डॉलेंस एक्सपीरियंस स्टोर में। हमारा ये डॉलेंस एक्सपीरियंस स्टोर ब्लू एरिया इस्लामाबाद पाकिस्तान में मौजूद है। आजकल मार्केट में गारमेंट स्टीमर्स की बहुत डिमांड है। अगर गारमेंट स्टीमर्स की बात की जाए तो ये दो टाइप्स के आते हैं। एक होता है हैंड हेल्ड गारमेंट स्टीमर, और दूसरे की टाइप होती है अपराइट गारमेंट स्टीमर। और डॉलेंस अपने जो हैंड हेल्ड गारमेंट स्टीमर्स मार्केट में दिए हुए हैं, इस हैंड हेल्ड गारमेंट स्टीमर को ट्रेवल गारमेंट स्टीमर भी कहा जाता है। तो आज हम जिस मॉडल का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका मॉडल कोड है DWGS2316। मैं आपको ज़रा करीब से ये प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। ये इसका मेन कंपोनेंट, ये करी है गारमेंट स्टीमर, और यहाँ है इसकी एक्सेसरीज। इसमें है एक स्टीम फिल्टर, और दूसरा है ये गारमेंट फिल्टर। जो अपराइट गारमेंट स्टीमर्स होते हैं वो कमर्शियल यूज़ के लिए बने होते हैं, क्योंकि उनके वाटर टैंक की कैपेसिटी इससे कई गुना ज़्यादा होती है। और इस गारमेंट स्टीमर के केस में इसके टैंक की कैपेसिटी 230 मिलीलीटर है। अब मैं इस गारमेंट स्टीमर के मेन फीचर्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये गारमेंट स्टीमर हाइजीन केयर के साथ आता है, यानी कि इसकी जो स्टीम है आपके कपड़े को डिसइंफेक्ट भी करेगी, और इसके साथ साथ ये फैब्रिक की लाइफ को भी बढ़ाता है। ये सिरेमिक सोल प्लेट के साथ आता है, ये है प्लेट जो सिरेमिक कोटेड है, जो कि ड्यूरिंग हीटिंग कपड़े के साथ स्टिक नहीं होगी। इस सिरेमिक सोल प्लेट की जो हीट कंडक्टिविटी है वो बेस्ट समझी जाती है। ये हॉरिजॉन्टल स्टीम देता है विदाउट एनी ड्रिप, यानी कि पानी नहीं टपकेगा जैसे कि स्टीम आयरन की सूरत में होता है। अब मैं इसके फिल्टर और ब्रश को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये स्टीम फिल्टर क्यों अहम है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपके एरिया में जो पानी है उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं तो ये कपड़ों पे शिफ्ट नहीं करेगा, ट्रांसफ़र नहीं करेगा, और जितने नाजुक क्लोथ्स होते हैं उनके लिए बेस्ट समझा जाता है। और ये है फैब्रिक ब्रश, ये कोट और इस तरह के जो थिक क्लोथ्स होते हैं उनके लिए बेस्ट है। जब आप इसे लगाएंगे तो जो स्टीम की पेनिट्रेशन है वो बहुत डीप होगी। अब मैं इसके बाकी फीचर्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एंटी स्केल है, यानी कि अगर पानी में कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी कि जो वाइट सा एक मटेरियल यहाँ इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से ये जो होल्स हैं ये ब्लॉक नहीं होंगे। ये एंटी ड्रिप है, यानी कि पानी जो है वो नीचे टपकता नहीं। ये डिटैचेबल वाटर टैंक के साथ आता है, ये मैं आपको डिटैच करके दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये गिरने की सूरत में ऑटो ऑफ हो जाएगा, जो आपको किसी भी बड़े नुकसान से बचाएगा। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करूं तो ये 1600 वॉट का मॉडल है। मैं इसकी एक डेमोस्ट्रेशन भी दे देता हूं, तो हम आपको ये डेमोस्ट्रेशन दे देते हैं। ये देखिएगा रिंकल से इस गारमेंट पे। अब ये कैसे इसको रिंकल फ्री करेगा, स्टीम भी आप देख सकते हैं। इसके दो मोड होते हैं, एक इको और एक स्ट्रॉन्ग स्टीम। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।